हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गार्डनिंग फूड एंड फन। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है लकी बाम्बू का पेड़, और जैसे आज मैं आपको बता रही हूं यह इसकी अनबिलीवेबल ग्रोथ। तो ये जो लकी प्लांट है, इसे लकी बाम्बू बोलते हैं हम लोग, ये हम पानी में भी लगाते हैं और मिट्टी में भी लगाते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है ये है इंडोर प्लांट, तो इसे तो हमने बालकनी में रखा है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत अनबिलीवेबल है। आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए ये प्लांट है, ये देखिए ये 9 फीट से भी ऊंचा प्लांट है। तो इस प्लांट को हम घर पे रख सकते हैं अंदर, लेकिन अभी हमने तो फ़िलहाल इसे बालकनी में ही रखा है। और जैसे इस स्पेशल चीज़ है इसको बताने वाली, तो ये है इसका पॉट। हमने जब इसे लगाया था तो बहुत छोटे पॉट में लगाया था इसे। ये देखो इसका पॉट कितना छोटा है, और इतने छोटे से पॉट में ये बहुत ऊंचा हुआ है। अभी तो जैसे हम इसको सोच रहे हैं कि इसे हम रिपोर्टिंग करें, इसे थोड़ा सा बड़े पॉट में शिफ्ट करें, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके जो ये जो स्टेम्स है ये बहुत ही टाइटली फिक्स है, और इसके ये जो जड़ें है ये जो बाहर निकल आई है तो ये जो इस मिट्टी के साथ बहुत टाइटली फिक्स हो चुका है अभी। तो अगर हम इसे शिफ्ट भी करते हैं तब भी इसके प्लांट को थोड़ा डैमेज हो सकता है, इसलिए हम अभी इसे नहीं करेंगे। देखते हैं ये कितना बढ़ता है और इसमें क्या इसका ग्रोथ और कितना होता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये इसके स्टेम्स है, ये जो निकल आ रहे हैं, ये देखो ये पूरे साइड से इस तरीके से निकल आ रहे हैं, ये पूरे ऐसे पूरा राउंड राउंड फैल रहा है अभी। तो इसी का यूज़ करके हम जैसे इसकी कटिंग से इसे लगाते हैं, जो पानी में हम जो लगाते हैं या फिर मिट्टी में, तो इन्हीं की हमें कटिंग लेनी होती है। तो उसका वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी कि इसे हम पानी में कैसे इसके कटिंग को लगाते हैं और मिट्टी में कैसे लगाते हैं। अगर मैं एक ही वीडियो में वो भी शेयर करूंगी तो शायद से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको मैं बाद में शेयर करूंगी। तो ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। इसे हमने लगाया था 5 साल पहले, इसे लगाया था और 5 साल में ये देखो ये कितना इसका ग्रोथ हुआ है, और ये पूरे साइड से ये फैल चुका है ये प्लांट। ये देखो ये तो ये अभी इसके बेबी प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो ऊपर तक के गया है ये इसका मदर प्लांट है। ये इसमें भी काफ़ी सारे स्टेम्स है जो अगर हम इसे खुला रखते हैं तो ये पूरा फैल जाता है, तो इसलिए हमने इसे दो पोर्शन में हमने इसे बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इसका ये जो स्टेम होता है, ये जो इसका स्टेम है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये स्ट्रांग नहीं होता है, तो इस प्लांट को सपोर्ट की बहुत नीड होती है। तो हमने इसे कोई लकड़ी का सपोर्ट वगैरह नहीं दिया है, लेकिन ये जो इसके पीछे ये जो वॉल है इसी का इसे मेन सपोर्ट है, इसी के वजह से ये ऊपर तक के चले गया है। अगर ये वॉल नहीं होती तो शायद से हमें इसको लकड़ी का सहारा देना ही पड़ता, क्योंकि इसके स्टेम्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, ये कुछ हाइट तक के रहता है, उसके बाद झुकना स्टार्ट हो जाता है ये, तो इसको हमें सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं इसके केयरिंग की, तो इसकी हमें केयर बहुत करना होता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये इसे बिल्कुल भी धूप सहन नहीं होती है। जैसे अभी धूप आने लगी है तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से इसके पत्ते ये सूखने लगे हैं, तो ये प्लांट अभी ज़्यादा सूख ना जाए इसलिए हम लोग अभी इसे इंडोर शिफ्ट करेंगे। उसके पहले मैंने सोचा कि आपको इसका एक अच्छा सा व्यू दे दूँ, क्योंकि अगर मैं इसको इंडोर शिफ्ट करने के बाद शायद से ही इसका वीडियो ले पाती, तो ये बाहर जितने अच्छे तरीके से इसको दिखा सकूँगी उतना अच्छे से नहीं दिखा पाती अंदर शिफ्ट करने के बाद। तो ये देखो ये कितना सुंदर तरीके से ये फैला हुआ है, और इसको जैसे पानी बहुत लगता है, इसे अगर हमें डेली वाटरिंग करना होता है, और इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना, हम लोग नहीं देते इसे कोई फर्टिलाइज़र, बस पानी ही देते इसे, रेगुलर पानी चाहिए इसे। आप अगर सुबह शाम भी देते तो भी अच्छी बात है, और प्रोटेक्ट करें इसे सनलाइट से, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट अगर इसमें आती है तो इसके प्लांट की जो पत्तियाँ है ये सूख जाती है।
और इसके जो पत्ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं ये, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, ये एक ही इसमें दो टाइप के पत्ते हैं, एक प्लेन है, ये देखो, ये पूरा प्लांट प्लेन इसका है, और ऊपर में ये जो इसके जो नए पत्ते आते हैं ये शेडिंग में आते हैं, और जैसे ही ये पुराने होते जाता है, तो ये देखो, ये इसके पुराने पत्ते तो ये प्लेन है, ये जो देखो, ये पुराने पत्ते इसके प्लेन आए हुए हैं, और ये जो नए पत्ते आ रहे हैं ये थोड़े शेडिंग में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट, और काफ़ी लोग इसे अपने घर में भी लगाते हैं। बेसिकली इंडोर ही है, लेकिन हमने इसे बाहर रखा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सुबह ही धूप आती है, शाम को तो धूप नहीं आती है, और इतना बड़ा चुका है ये कि अभी इसे इंडोर भी रखना मुश्किल है, लेकिन हम इसे इस गर्मी में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो इस प्लांट की कोई में इसका पूरे पत्ते जल जाएंगे, और इसका केयर हम लोगों को करना ही है, तो इसको अंदर रखना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे इस प्लांट को अगर लगाते हैं तो देखिए आपके घर में कैसे ग्रो करता है। पानी में लगाए हो तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी में भी लगा के देखिए, थोड़ा बड़ा ही पॉट यूज़ करना जब भी आप लगाओगे, क्योंकि लगाते टाइम तो हमें नहीं पता होता है कि वो कितना फैलेगा या कितना उसका ग्रो होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता था उस टाइम पर, लेकिन अभी तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है इसी पॉट में, तो आप पहले से ही केयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर इस पॉट के इस पेड़ के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, और अगर आपको ये पौधा अच्छा लगता है, प्लांट अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।